में लैपटॉप की मेमोरी कम हो चुकी है और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ डिलीट भी नहीं कर सकती। खैर अच्छा, ये है सिंबल टेबल। सिंबल टेबल के अंदर हमने दो चीजें इसमें स्टोर करनी होती हैं, सिंबॉलिक एड्रेसिंग और रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, अब करना क्या है, हमारे पास सबसे पहले है लेबल स्टार्ट प्रोग। स्टार्ट प्रोग ये हमारे पास है लेबल नंबर वन। स्टार्ट प्रोग यानी कि प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। प्रोग्राम को जब स्टार्ट करना है तो दिस इज एक्चुअली अ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, बिकॉज हमने इनिशियली पढ़ा था कि ये जो लेबल्स होते हैं, दीज लेबल्स कॉलम वन में आते हैं। हाँ कॉलम वन में तो आते हैं, साथ साथ कॉलम वन में आने के बाद ये सिंबल टेबल के अंदर भी फर्स्ट कॉलम में आ रहे होते हैं और यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन द बिगिनिंग। और नंबर टू हमने क्या करने होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, यू कांट इग्नोर दैट। ठीक है, तो अगर कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट प्रोग, दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, सो दैट्स व्हाई देयर इज रिटन नंबर वन विद दैट। ठीक है अच्छा, फिर रिलेटिव एड्रेस, इसका एड्रेस क्या होगा, ये बेसिकली प्रोग्राम तो स्टार्ट कर रहा है, क्या ये प्रोग्राम मेमोरी के अंदर कोई एड्रेस एलोकेट करेगा? नो सही है, तो हेयर इट इज रिटन जीरो। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना उनकी सीक्वेंस ये है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then 8। ये वाले जो नंबर्स हैं ये तुमने बताने हैं यहाँ रिलेटिव एड्रेसिंग के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट प्रोग्राम का रिलेटिव एड्रेस क्या है, 0, इट ऑलवेज स्टार्ट विद द 0। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस एड्रेस। व्हाट डू वी कॉल दैट, बेस एड्रेस। तो रिलेटिव एड्रेस के अंदर हम हमेशा वैल्यू कौन सी लिखेंगे, द बेस एड्रेस, ये वाली वैल्यू सारी। अच्छा तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टार्ट प्रोग्राम जिसका बेस एड्रेस है 0, तो रिलेटिव एड्रेस में 0 आ गया, एंड दिस इज द स्टेप, सेकेंड स्टेप दैट शुड बी डन। हम इसमें एक एक स्टेप की सीक्वेंस लिखेंगे, सो दैट्स 2, 1 एंड देन 2। देन व्हाट इज रिटन देयर, एलडीवी ऑफसेट। अब ये एलडीवी ऑफसेट हमारे पास सेकेंड नंबर पे क्या होगा, एलडीवी तो ऑपरेंड है बट करना क्या है इसको, ऑफसेट। ऑफसेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली ऑफसेट की वैल्यू है हमारे पास 10। यहां पे मैं साथ साथ बता दूं, अगर कि ये 7 लिखा हुआ होगा तो इसकी रिलेटिव एड्रेस हो जाएगा 9, फिर ये 10, फिर ये 11, 12, 13 एंड देन 14। इन दिस केस अगर तुम्हारा प्रोग्राम ऐसे बना हुआ है तो इसका बेस एड्रेस क्या है, 9, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑफसेट के आगे 9। लेकिन अगर तुम्हारा प्रोग्राम के साथ यहाँ ब्रोकन लाइन है या फिर इस तरीके से एक कनेक्टिविटी शो हो रही है, देन इट मीन्स यू हैव टू राइट अननोन। रीजन क्या होगा, रीजन क्या होगा, बिकॉज यू डोंट नो कि यहाँ पे कौन से एड्रेस की बात हो रही है, इट इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। ऑफसेट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ ऑफसेट, अब हमने तो सिर्फ ये देखना है इसकी सीक्वेंस, इसका रिलेटिव एड्रेस क्या है, रिलेटिव एड्रेस क्या है मतलब बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस 0 से स्टार्ट होगा और उसकी बेसिस पे हम इसको फिल करेंगे टेबल को। सबसे पहले स्टार्ट प्रोग आया जिसकी सीक्वेंस है 0, फिर वो ऑफसेट पे गया, ऑफसेट का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है, ऑफसेट इज अ वेरिएबल जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, तो पहले ऑफसेट का वो रिलेटिव एड्रेस लिखेगा 9 इन दैट केस, अगर वो 7 पड़ा हुआ है, और अगर अलहदा पड़ा हुआ है तो अननोन आ जाएगा। समझ आई जी मैम। अच्छा उसके बाद फिर आ जाती है वैल्यू। वैल्यू क्या चीज, वैल्यू है हमारे पास इसके अंदर कंपेयर करना है हमने वैल्यू को। कंपेयर जब हम वैल्यू को करेंगे तो ये जो वैल्यू है दिस इज द नेक्स्ट ऑपरेंड, और वो ऑपरेंड हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और उस वैल्यू का हमारे पास वैल्यू, ये री वैल्यू, अगर के वैल्यू साथ ही पड़ा होगा ये लेबल,
तो हम 14 लिखेंगे, ठीक है। अगर कि ये अलहदा से पढ़ा होगा तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, अननोन, अननोन, ठीक है। साथ साथ हम सीक्वेंस भी लिखते जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी आर एक्चुअली राइटिंग हियर अलोंग विद दैट द बेस एड्रेसेस। ये अननोन यहाँ किस वजह से लिखा हुआ है, क्योंकि ये अलग से पढ़ा हुआ है, और अगर अलग से पढ़ा हुआ नहीं होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 9। सेम केस विद द वैल्यू, अगर के यहाँ पे ये 7 लिखा होता तो यहाँ पे 14 आ जाता, लेकिन 6 नंबर का स्टेप ही होता, एंड देन अगर अलहदा से पढ़ा होता देन इट वुड बी अननोन। देन वी हैव गॉट, यहाँ पे क्या है, इसकी फौरन बाद इंस्ट्रक्शन है एंड प्रॉग, वो कह रहा है जंप कर जाओ एंड प्रॉग के ऊपर, एंड प्रॉग इज हियर, ठीक है। तो एंड प्रॉग वो जा रहा है 7th नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर पे आ गया एक्शन, और इसका एड्रेस क्या है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने हाँ ये 8 ही है सही। तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिलेटिव एड्रेस आ गया 8, और इसका एक्शन की सीक्वेंस भी 8 है। यहाँ तक क्लियर हुआ हाउ टू पॉपुलेट अ सिंपल टेबल? जी मैम क्लियर। क्योंकि एट टाइम्स ये दे देते हैं कि इस तरीके से अब इसको बताएं कि अपकमिंग क्या है इंस्ट्रक्शन होगी या क्या इसका रिलेटिव एड्रेस होगा। ओके, तो अब फर्दर हमारे पास काफी चीजें इसमें डिस्कस हो चुकी, मैंने बस एज एन एग्जांपल इसमें रखा हुआ था। ये हेडर होता है जो कि इसमें कमेंट्स लिखे हुए हैं, ये डायरेक्टिव है, ये भी कमेंट है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद सेमीकोलन, ये भी सारे सेमीकोलन से स्टार्ट हुए हैं सो दे आर ऑल कमेंट्स। फिर यहाँ पे ऑपरेंड और ऑपकोड लिखे हुए हैं, ये लेबल्स हैं और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे कमेंट हैं, ये ओआरजी और गो टू ये डायरेक्टिव्स हैं, यहाँ पे भी वही एग्जांपल्स हैं, असेंबलर डायरेक्टिव्स, कमेंट, ऑपरेंड, लेबल, निमोनिक्स, ये वो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेंड है जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, ये भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, ये भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, डेटा ट्रांसफर, ये भी सारे हमने डिस्कस किए हुए, जरूरी नहीं है सारे आ सकते हैं इसके अंदर। देयर इज अ स्मॉल प्रोग्राम, सैंपल प्रोग्राम, और देख लो कोई ऐसी चीज इम्पोर्टेंट तो नहीं रहती इसमें। आर यू क्लियर अबाउट दिस थिंग? यस मैम क्लियर। ठीक है, अच्छा ये डॉक्यूमेंट तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैंने कौन सी चीज तुम्हें फर्दर करानी है, बिट वाइज मैनिपुलेशन रह गया है, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे गेट्स का फंक्शन होते हैं वही इसमें होगा। अराउंड 1 hour या 30-45 minutes की क्लास और है, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट की चीजें कराऊंगी एंड देन वी विल कवर बिट वाइज मैनिपुलेशन एंड देन दिस चैप्टर वुड बी एंडेड। अच्छा अभी तुमने क्या करना है,